नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। स्वागत है आपका स्केचअप ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। अब इससे पहले मैं 10 पार्ट इसके अपलोड कर चुका हूँ। ये 11th पार्ट है जिसमें मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ कि फॉलो मी टूल को आप कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा यूजफुल टूल है, कैसे आप उस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ प्रोफाइल मैंने बनाए हुए हैं, तो आज इन्हीं पे वर्क करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मान लो मेरे पास एक लाइन मैंने ऐसे यहाँ पे लगाई और नीचे एक सर्कल बनाया है। फॉलो मी टूल बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ये ऑप्शन आपका फॉलो मी, आप फॉलो मी पे क्लिक करें। आप इस प्रोफाइल पे क्लिक करके आप एक प्रोफाइल पाथ को फॉलो करते चले जाएं और आप क्लिक कर दें, तो आपका वो प्रोफाइल इस तरीके से फॉलो हो जाएगा और वो शेप इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? जैसे ये है, यहाँ पे मान लो आपको ये फॉलो करना है और इस वाले पाथ से फॉलो करना है, तो आप इस तरीके से इस चीज को फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो ये इस तरीके से इस चीज को फॉलो कर देगा और वो यहाँ पे प्रोफाइल था तो यहाँ पे इसने फॉलो किया, यहाँ पे प्रोफाइल था तो यहाँ पे इसने फॉलो किया। अब जैसे ये वाला प्रोफाइल है यहाँ पे, अगर मैं इस वाले प्रोफाइल को क्लिक करके ऐसे फॉलो करता हूँ, यहाँ पे आपने प्रोफाइल बनाया, तो आप इस तरीके से इस चीज को फॉलो कर सकते हो और आप क्लिक कर सकते हैं तो वो इस चीज को इस तरीके से फॉलो करेगा। अगर आपको ऐसे फॉलो नहीं करना है, मैंने अंडू किया, तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट टूल लें, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद, अपने पाथ को सिलेक्ट करने के बाद, यहाँ पे फॉलो मी टूल पे क्लिक करें और उस प्रोफाइल पे क्लिक कर दें, तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, वो उस तरीके का प्रोफाइल को आपको बना। उसके बाद है कि मान लो मैंने यहां से अंडू किया, इस वाले प्रोफाइल को अगर मैं करना चाहता हूं फॉलो, आप इस पे क्लिक करें तो वो उसी पाथ पे फॉलो होगा, बट जहां पे वो प्रोफाइल होगा उसी के अकॉर्डिंग उस चीज को वो फॉलो करेगा। अंडू किया, या तो आप इस चीज को पहले सिलेक्ट करें, फॉलो मी पे क्लिक करें और इस पे क्लिक कर दे, वो उस पाथ के अकॉर्डिंग अपने आपको कन्वर्ट कर लेगा। कुछ इस तरीके से बनाना है अगर आपको। अब मान लो ये है आपके पास प्रोफाइल एक, अब यहाँ पे मैंने एक प्रोफाइल बनाया हुआ है सर्कल का और सर्कल को इस तरीके से बनाया हुआ है ताकि मेरे को थिकनेस नजर आए यहाँ पे, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फॉलो मी यूज करने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, फॉलो मी पे क्लिक करो और इस वाले प्रोफाइल पे क्लिक करो, तो वो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे इसे तो पाइप टाइप का आपका स्ट्रक्चर बना देगा यहाँ पे, इसकी आपको थिकनेस नजर आएगी आपको आपके प्रोफाइल की। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो, कहीं पे इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो वहां पे भी फॉलो मी यूज कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे, मान लो आपने क्या किया, आपने पहले इसको सिलेक्ट किया, मैं इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करना चाहता हूं, तो आप या तो इसके इस प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लो या फिर बीच में क्लिक कर लो, तो इसकी बाउंड्री को वो सिलेक्ट करेगा इसके अकॉर्डिंग, तो आप फॉलो मी पे क्लिक करोगे और इसको सिलेक्ट करोगे तो वो उस बाउंड्री के अकॉर्डिंग अपने आप को एक सर्कुलर वे में कन्वर्ट कर लेगा। अगर आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है तो आप इस तरीके से भी इस चीज को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मान लो आपके पास एक रेक्टेंगल बनाया है आपने और एक प्रोफाइल इसके यहाँ पे बनाया है, जैसे कोई भी डिजाइनिंग अगर आपको यहाँ पे करनी है तो पहले आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अब फॉलो मी पे क्लिक करके आप इसको क्लिक करें तो वो पूरे प्रोफाइल को इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा। अगर आप देख पाएंगे तो वो डिजाइन बना देगा जो आपने प्रोफाइल पे वहां पे बनाया है, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? अब यही प्रोफाइल पे मैंने इसको यहां से कट किया है, अगर मैं इस चीज को अब यूज करता हूं यहां से, तो मैंने सिलेक्ट टूल पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया और फॉलो मी पे क्लिक करके मैंने इसको क्लिक किया, तो वो इस तरीके से फॉलो करेगा। अंदर का डिजाइन उसने वैसा बनाया, अब बाहर का डिजाइन अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपने डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका फॉलो मी वर्क करता है। आगे चलते हैं, मान लो मैंने एक सर्कुलर प्रोफाइल यहाँ पे नीचे लिया है और ऊपर कुछ इस टाइप का प्रोफाइल बनाया है, ताकि मान लो मैं फाउंटेन टाइप में कुछ बनाना चाहता हूँ या इस टाइप की कोई शेप बनाना चाहता हूँ, जैसे ऑटोकैड में आपका रिवॉल्व होता है, रेविट आर्किटेक्चर में रिवॉल्व होता है, 3ds मैक्स में लेथ होता है, तो यहाँ पे अगर वो वाले ऑप्शन नहीं है तो आप इस तरीके से इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं फॉलो मी टूल से। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करूंगा जिसकी ये पूरी बाउंड्री सिलेक्ट होगी मेरी, यहाँ पे फॉलो मी पे क्लिक करके मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। कहीं पे फाउंटेन टाइप में आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो वो इस तरीके से आप इस चीज को क्रिएट कर सकते हैं कि इसने सर्कुलर क्रिएट किया। दोबारा बताता हूँ, या तो आप ऐसे करें, फॉलो मी पे क्लिक करें और इस पाथ को आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसे जहां से आपने स्टार्ट किया वहां पे क्लिक करें, ऐसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप पहले सिलेक्ट करें इसे,
फॉलो मी पे क्लिक करें और फिर इस पे क्लिक करें तो आपका वो उस चीज को फॉलो करेगा और आपका कुछ इस टाइप का प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मान लो आपने कुछ रेक्टेंगल के ऊपर कुछ इस ट्रायंगुलर शेप अगर आपने बनाई है, आप सिलेक्ट करें रेक्टेंगल को और अब आप क्या कर सकते हैं, फॉलो मी टूल से इसको क्लिक करें तो वो चार साइड से उसको इस तरीके से फॉलो करेगा और इस टाइप का आपका प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर ऐसा प्रोफाइल आपको बनाना है तो फॉलो मी टूल यूज कर सकते हैं, बहुत ही काम की टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। इससे पहले जो भी मैंने टूल बताए हैं, अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज मेरे चैनल पे जाएं, यहाँ पे मैंने स्केचअप के ट्यूटोरियल्स ये डाले हुए हैं इससे पहले, तो ताकि आप कंप्लीट स्केचअप सीख पाए और रेविट के ट्यूटोरियल्स और 3ds Max, वीरे, फोटोशॉप, ऑटो कैड, ये सब ट्यूटोरियल्स मैंने डाले हुए हैं अपने चैनल पे, तो आप यहाँ पे जाके भी इन सब चीजों को देख सकते हैं और इजिली बहुत ही इजी वे में इस चीज को सीख सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल की। अब मान लो मेरे को एक स्फीयर बनाना है तो आप इसकी हेल्प से बना सकते हैं। अभी तो रेक्टेंगुलर प्रोफाइल है तो मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पे और फॉलो मी टूल करके इस पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके की आपकी शेप यहाँ पे बन जाएगी। अगर स्फीयर बनाना है तो मैंने नीचे वाला प्रोफाइल को सर्कुलर लिया है, सिलेक्ट किया प्रोफाइल को, फॉलो मी टूल पे क्लिक किया और अब इस पे क्लिक किया तो वो एक आपका स्फीयर बन जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है। अगर आपको स्फीयर बनाना है तो कुछ इस तरीके से आप अपने स्फीयर को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आप इस तरीके से प्रोफाइल बना के भी अपने स्फीयर को बना सकते हैं। मान लो मैंने एक सर्कल में दूसरे वाला सर्कल इस तरीके से वर्टिकली बनाया है, परपेंडिकुलर उसके, तो अगर आप इसको क्लिक करके इस वाले प्रोफाइल को और इस पे क्लिक करेंगे तो वो सर्कुलर बन जाएगा, और या फिर इस पे क्लिक करके आप फॉलो मी इसे करेंगे तो वो सर्कुलर बन जाएगा। एक्चुअली ये जो बाउंड्री है, मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसकी बाउंड्री के अकॉर्डिंग ये इसको फॉलो कर देगा और वो उसको एक स्फीयर में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको स्फीयर बनाना है तो आप इस तरीके से स्फीयर बना सकते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं, मान लो आप एक कॉलम बना रहे हो और कॉलम पे कोई डिजाइनिंग करनी है तो आप इस तरीके के डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, और क्रिएट करने के बाद आप इसको ऊपर वाले प्रोफाइल को सिलेक्ट करें और फॉलो मी पे क्लिक करके इसको क्लिक करें तो वो उस प्रोफाइल को फॉलो कर देगा, कुछ इस तरीके से वो आपके डिजाइन को क्रिएट कर देगा। तो कहीं पे भी किसी भी कॉलम पे आपको डिजाइन बनाना है तो इसकी हेल्प से आप इजिली बना सकते हैं। मान लो सर्कुलर डिजाइन बनाना है तो मान लो मैंने यहाँ से आर्क ली और एक आर्क मैंने यहाँ पे बना दी कुछ इस तरीके से, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हो कि आप ये वाला प्रोफाइल सिलेक्ट करो ऊपर वाला और फॉलो मी पे क्लिक करो और इस पे क्लिक कर दो तो वो उसके चारों तरफ इस तरीके से फॉलो कर देगा, क्लियर है। तो ऐसे करके आप अपने प्रोफाइल को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास सर्कुलर कॉलम हो इस पे भी आप सेम यूज कर सकते हो कि आप सिलेक्ट करें जो जिसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है, फॉलो मी पे क्लिक करें और फिर इसको क्लिक करें तो इस तरीके से आपका कॉलम का डिजाइन बना देगा। तो मेन है किस तरीके से आप डिजाइन क्रिएट करते हो और कैसे आप फॉलो मी को यूज करते हो। अब बात करते हैं कि आपको कोई घर बना रहे हो और उसके ऊपर कोई डिजाइनिंग आपको चाहिए तो वहां पे भी फॉलो मी का यूज कर सकते हो। मान लो आपने एक रूफ बनाई, यहाँ पे रूम बनाया और यहाँ पे ये आपका प्रोफाइल बनाया, तो आप प्रोफाइल को क्लिक करके ऐसे आप अपने पाथ को फॉलो कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आप इसने फॉलो किया, क्लियर, तो इस तरीके का प्रोफाइल बन गया। या फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से आपको ऐसे चाहिए, यहाँ से आपको नीचे चाहिए, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से चाहिए आपको, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से फॉलो करते हुए आपको जाना है तो इस तरीके का प्रोफाइल बनाना है तो भी आप फॉलो मी की हेल्प से बना सकते हैं। उसके बाद है कि इस तरीके का प्रोफाइल बना सकते हैं। उसके बाद है, अगर मैं यहां पे बात करूं, अब मान लो मैंने प्रोफाइल अंदर की तरफ बनाया है, ये मैंने बाहर की तरफ बनाया था, अब मैंने अंदर की तरफ प्रोफाइल बनाया है यहाँ पे, तो इसको आप अगर फॉलो मी करोगे इस तरीके से, आप यहां से फॉलो मी करते हुए इस तरीके से गए हो यहाँ पे, अगर आप क्लोज अंडू किया, मैं एक काम करता हूँ प्रोफाइल इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉलो मी पे क्लिक किया और इसको क्लिक किया तो वो कट कर देगा। ये प्रोफाइल को कट भी करता है और ये प्रोफाइल ऐड भी करता है। अगर आप प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल बना के फॉलो मी करेंगे तो कट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल दोबारा से बताता हूँ, अंडू किया, मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद ये वाला मेरा प्रोफाइल है जो मैंने सर्कुलर यहाँ पे लिया हुआ है आर्क में, तो यहाँ पे मैंने फॉलो मी पे क्लिक किया और इसको क्लिक कर दिया तो देखो वो उतने प्रोफाइल को इस तरीके से काट देगा,
आपने इसको सिलेक्ट किया, फॉलो मी पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया तो इस तरीके से काट देगा। इस तरीके के आपको डिजाइन चाहिए तो फॉलो मी की टूल की हेल्प से बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, मान लो आपकी एक फ्रेम बनाया है और फ्रेम पे ये वाला डिजाइन बनाना है, मैंने एक आर्क बनाई है यहाँ पे इस फ्रेम पे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो मैंने अब इसके लिए क्या किया कि इन चारों प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लिया पहले ही कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है। अब आप यहां से फॉलो मी पे क्लिक करें और अब आप इस पे क्लिक करें तो वो उस प्रोफाइल को फॉलो करेगा और कुछ इस टाइप का आपका डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर देगा। ऐसे डिजाइन बनाने तो भी फॉलो मी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी, मान लो आपने क्या किया, सिलेक्ट किया इस प्रोफाइल को और अब फॉलो मी पे क्लिक करते हो इस पे तो ये प्रोफाइल क्रिएट किएगा, फिर इसको सिलेक्ट किया फॉलो मी इस पे क्लिक किया, फिर से आपने इसको सिलेक्ट किया फिर फॉलो मी किया फिर इस पे क्लिक किया। अगर ऐसे आपको प्रोफाइल बनाने हैं, ये प्रोफाइल आप फॉलो मी की हेल्प से बना सकते हैं। सेम आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपके पास सर्कुलर प्रोफाइल है, आपने इसको क्लिक किया और आपने फॉलो मी पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया तो ये डिजाइन आपका क्रिएट हो गया। दोबारा आपने इसको क्लिक किया और फिर आपने फॉलो मी किया, अब इस पे क्लिक किया तो ये डिजाइन क्रिएट हो गया, फिर फॉलो मी क्लिक किया, फिर आपने इसको क्लिक किया तो इस तरीके के डिजाइन को नीचे से आप देखोगे इस तरीके का डिजाइन आया और ऊपर से आप देखोगे ऐसा डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो। घर के अंदर पीओपी डिजाइन आपको बनाना है, कहीं पे भी कुछ भी इस टाइप का डिजाइन अगर आपको बनाना है तो सबसे ज्यादा आपका यूज होता है घर के अंदर फॉलो मी टूल। आपने देखा होगा घर के बाहर बहुत सारे डिजाइन होते हैं जो फसाद डिजाइन करते हैं, तो उसमें आपका फॉलो मी टूल का बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, तो ये टूल आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो इसको ध्यान से प्रैक्टिस करें ताकि आप इसका यूज कर पाए अपने प्रोजेक्ट में, अपने घर पे, ठीक है, जो भी आप घर बनाएंगे उस चीज में, आपने होम डिजाइन पे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इन सब वीडियोस का बहुत ही अच्छे से बेनिफिट उठा पाए। 3ds Max, Revit आर्किटेक्चर, AutoCAD और फोटोशॉप की वीडियोस, रेविट फैमिली, ये सब वीडियोस आपको यहाँ पे बहुत ही इजी वे में सीखने को मिल जाएंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच दोस्तों 50K के लिए, थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार बनाए रखें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।